सदर अस्पताल में मरीजों की जान से होता है खिलवाड़। अस्पताल में मरीजों की जान से किस तरह खिलवाड़ किया जाता है, इसका बड़ा उदाहरण सामने आया है। दरअसल 3 तारीख की रात को एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसके परिजन उसे नज़दीकी अस्पताल भपटियाही लेकर गए, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद भपटियाही के डॉक्टर ने प्रसव पीड़ित महिला को सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ उसका इलाज सदर अस्पताल के डॉक्टर द्वारा शुरू किया गया। बताया जाता है कि मौजूद डॉक्टर ने प्रसव पीड़ित महिला सोनी देवी की सदर अस्पताल के पैथोलॉजी में खून और पेशाब सहित अन्य जांच करवाई, जिसके बाद डॉक्टर ने जांच रिपोर्ट देखने के बाद उसे बाहर रेफर कर दिया। इधर मरीज के परिजनों की माली हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा परिजनों ने सदर बाजार स्थित एक बड़े निजी नर्सिंग अस्पताल में प्रसव पीड़ित को भर्ती करा दिया, जहाँ उसकी हालत अभी ठीक ठाक बताई जा रही है। बताया जाता है कि निजी नर्सिंग होम में फिर से प्रसव पीड़ित की खून जांच करवाई गई, जहां सदर अस्पताल और नर्सिंग होम की जांच में भारी अंतर सामने आया है, जो अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। इतना ही नहीं, जिले के सबसे बड़े अस्पताल में अगर ऐसी व्यवस्था है तो अन्य अस्पतालों में क्या होगा, ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल मरीज के परिजनों ने इतनी बड़ी चूक के सदमे से और भगवान का शुक्र कर रहे हैं कि उन्होंने सदर अस्पताल से प्रसव पीड़ित का इलाज नहीं करवाया, वरना एक बड़ी घटना घट सकती थी। सदर अस्पताल के पैथोलॉजी में प्रसव पीड़िता के खून की जांच में उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव बताया गया, जबकि उसी प्रसव पीड़ित को जब निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया और खून की जांच करवाई तो पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव निकला। जाहिर है, जब इतनी बड़ी चूक खून की जाँच में होगी तो मरीज के जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती। अगर उसे गलती से गलत ग्रुप का खून चढ़ जाता तो ऐसी स्थिति में मरीज की जान भी जा सकती थी। फिलहाल प्रसव पीड़ित को निजी नर्सिंग होम में सिरियोजन किया गया है, जहां जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल में जब गलत इलाज है तो हम लोग गरीब लोग कहाँ इलाज कराने जाएंगे। सुपौल बिहार से नज़ीर आलम के साथ आज़ाद की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। ये गदर हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, हाँ वही में गलिया हमरा गलत अथी दल के रिपोर्टर सबटा गलत खून पेशाब जांच कर के बहुत अथी अथी कर लगे, वही ठीक से रिफर कर दल के हमरा दरभंगा कर दल के। तो हम तो गरीब आदमी छे, कम पूंजी वाला छे, तो हम एक हॉस्पिटल एलिए तो इतना जाँच सही कल के सब चीज सही छे, मगर अथियो परसेंटो अपनी अथी मगर परसेंट के हमरा वही इतना बर्बाद कर दल। वहाँ चेक चुक किया, खून तून सब पेशाब सा चेक किया, वहाँ रिपोर्ट दे दिया गलत, और वहाँ से वो रिफर कर दिया दरभंगा को। दरभंगा नहीं गया, यहाँ चला गया कुल्ली, यहाँ डॉक्टर यहाँ चेक चुक किया था, यहाँ गलत निकल गया है, उसमें परसेंट हमारा वो दवाई जो खून चढ़ाता था बता ख़त्म हो जाता, तो वही से ये चेक चुक करके अब यहाँ अपन कर रहे। जो जाँच हुआ है उसके आधार पर बी पॉजिटिव निकला है, आपका क्या कहा, मतलब इस पर कन्फ्यूजन रहा होगा, ये बता दीजिए। ये मेरे संज्ञान में बात आई है, उसकी जांच की जाएगी, दोनों में कोई भी एक आदमी गलत होगा एक आदमी सही होगा या दोनों गलत होगा, दोनों सही नहीं हो सकता है, और जो गलत होगा उसके लिए उस पर कार्रवाई बाद में की जाएगी, कन्फर्म होने के बाद कहा।